Good morning, everyone. Continuing with our next topic, that is packaging. Packaging जो word है वो बना है package से. जैसे हमने अपना पिछले जो topic किया है, that is branding. Brand plus ink. Same तरीके से packaging है तो package plus ink और जो next topic हम करेंगे labeling, that is label plus ink. अब पूरा जो चैप्टर है हमारा दैट इज ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इसमें एक चीज समझिए पहले. ब्रांड का मीनिंग हमने किया कि जो भी आप वर्ड्स दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोनाउंसेबल है या कोई मार्क आप दे रहे हैं, वो सब चीजों का जो टोटल है दैट इज ब्रांड. और ब्रांडिंग का मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रांड. तो जो आप ब्रांड जो क्रिएट कर रहे हैं उसके प्रोसेस को हम ब्रांडिंग कहते हैं. सेम तरीके से जो वर्ड आता है पैकेजिंग, पैकेज प्लस इंक. तो पैकेजिंग जो है दैट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग पैकेज. अब पैकेज का क्या मतलब है? पैकेज का मतलब है कि वो कंटेनर, वो किसी भी फॉर्म में वो चीज जिसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है आप डालेंगे, जो आपके प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन करेगा. तो जो पैकेजिंग है वो एक प्रोसेस है. अब इसमें एक चीज और हमने की कि जो ये हमारा चैप्टर है दैट इज की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, तीनों चीजों को हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो जो पैकेज होता है प्रोडक्ट का वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि जो लिम्का की बॉटल है उसकी शेप डिफरेंट होती है, जो कोको कोला की बॉटल है उसकी शेप डिफरेंट होती है, जो फेंटा है उसकी शेप डिफरेंट होती है, तो आप खाली बॉटल का जो शेप है उससे भी पता लगा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कौन सा है. तो जो पैकेज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मीन्स है, टूल है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का. और एट प्रेजेंट अगर हम नाउ डेज बात करें तो जो इम्पोर्टेंस है पैकेजिंग की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. सेल्स इंक्रीज होती है थ्रू अट्रैक्टिव पैकेजेस. जब जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट लेने जा रहा है शॉप में, तो कई बार खाली पैकेज देखकर ही वो प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन ले लेता है. पहले जो ट्रेडिशनल फंक्शन था पैकेजिंग का वो सिर्फ इतना था कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, बट एट प्रेजेंट अगर हम नाउ डेज देखें तो जो पैकेजिंग है वो एक प्रमोशनल टूल बन गया है जिसे हम प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने कस्टमर को एल्योर करने के लिए कि वो प्रोडक्ट को बाय करे उसके लिए भी हम उसे यूज करते हैं. मीनिंग क्या है पैकेज का? पैकेज का मतलब है वो रैपर, वो कंटेनर जिसमें जो प्रोडक्ट है आप रखेंगे, इनक्लोज्ड, इनकेस्ड और सील्ड, जिसमें भी आप उस प्रोडक्ट को करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर, अ पैकेज में बी अ स्पेशली डिजाइंड रैपर, बॉक्स, कार्टन, केन, क्रेट, बॉटल, जार, ट्यूब, बैरल, ड्रम और पैलेट फॉर कन्वीनियंट डिस्ट्रीब्यूशन. किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रैपर हो सकता है, बॉक्स, कार्टन, केन, क्रेट, बॉटल, जार, ट्यूब, बैरल, ड्रम, पैलेट, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप प्रोडक्ट को रखेंगे फॉर कन्वीनियंट डिस्ट्रीब्यूशन. इम्पॉर्टेंस क्या है पैकेज की? जो पैकेज है वो हेल्प करता है कंज्यूमर को डिसीजन लेने में कि उसे एश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है रिगार्डिंग की प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक है और उसकी यूजफुलनेस आपके लिए है. जैसे कि अभी हमने बात की कि प्रोडक्ट को खाली जब वो परचेज करने का डिसीजन ले रहा है कस्टमर, तो खाली उसका पैकेज देख के भी कई बार जो पर्सन है वो डिसीजन ले लेता है. तो जो डेकोरेटिव अपीयरेंस होती है पैकेज की वो जो कस्टमर का अटेंशन है ग्रैब करती है. और पैकेज नेसेसरी इसलिए है ताकि आप प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली हैंडल कर सको, लिक्विड बाहर ना निकले अगर कोई लिक्विड प्रोडक्ट है, फ्रेशनेस रहे प्रोडक्ट की, क्वालिटी मेंटेन करे और जो एडल्ट्रेशन है उससे उसको प्रिवेंट करे. विद द एमर्जेंस ऑफ सेल्फ सर्विस स्टोर्स जो पैकेजिंग है वो और ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गई, उसकी इम्पोर्टेंस जो है और ज्यादा इंक्रीज हो गई है. तो जो पैकेज है आपका सर्व करता है एज अ साइलेंट सेल्समैन. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ पैकेजिंग. जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की कि प्रोसेस है एक जिसमें आप डिसीजन ले रहे हो रिगार्डिंग पैकेज. तो पैकेजिंग का मतलब है, पैकेजिंग वो आर्ट है, वो साइंस है जो रिलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग,
से और मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग बेटर कंटेनर्स की, रैपर्स की, प्रोडक्ट को पैक करने की ताकि सेफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और प्रोडक्ट का यूसेज अच्छे से हो सके। और ये प्रोवाइड करवाता है आइडेंटिफिकेशन और प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स को। जो पैकेजिंग है वो कन्वीनियंस की वैल्यू डिलीवर करती है कंज्यूमर को, तो ये एक प्रमोशनल टूल भी है जो मैन्युफैक्चरर यूज करता है। अकॉर्डिंग टू WJ स्टैंटन, पैकेजिंग इज द जर्नल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच कंसंट्रेट इन फॉर्मुलेटिंग द डिजाइन ऑफ अ पैकेज एंड प्रोड्यूसिंग एन एप्रोप्रिएट एंड अट्रैक्टिव कंटेनर और रैपर फॉर द प्रोडक्ट। डेफिनेशन क्या कहती है आपकी पैकेजिंग की? अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टेंटन, जो पैकेजिंग है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक जर्नल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज की तरीके से, जहां पर आप प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे हो जिसमें इन्वॉल्व है डिजाइनिंग और प्रोड्यूस करना कंटेनर को, एक रैपर को प्रोडक्ट के लिए। जो पैकेजिंग है वो भी कई लेवल में हो सकती है, जैसे जो पैकेजिंग है प्राइमरी हो सकती है, जहाँ पर जो इमीडिएट कंटेनर है प्रोडक्ट का उसे हम प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे। जैसे ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आपका टूथपेस्ट है, तो वो आपकी इमीडिएट पैकेजिंग है जिसे हम प्राइमरी पैकेज कहते हैं। देन सेकेंडरी पैकेजिंग हो सकती है जो एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपने उस पर दी हुई है। वो ट्यूब को जब आप एक बॉक्स में डाल देते हैं, टूथपेस्ट की ट्यूब जो होती है उसे आप एक बॉक्स में डाल देते हैं, तो वो आपकी सेकेंडरी पैकेज हो गई। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप भेज रहे हैं, तो उसको आप एक कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है बड़े बॉक्स में, उसमें पैक करके भेज सकते हैं, कार्टन में पैक करके भेज सकते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल की पैकेजिंग हो गई। नाउअडेज तो पैकेजिंग को फिफ्थ पी जो है मार्केटिंग का माना जाता है। पैकेजिंग का जो मेन पर्पस होता है दैट इज कि आपका जो मटेरियल है जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट को रखा है वो सेफ करे आपके प्रोडक्ट को, इजी और कन्वीनियंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंजम्पशन प्रोडक्ट का अच्छे से हो। और पैकिंग इसीलिए की जाती है ताकि प्रोडक्ट सेफ हो, गुड कंडीशन में रहे फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन, और ये आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंस क्या है पैकिंग और पैकेजिंग के बीच में। जर्नली लोग कहते हैं कि पैकिंग और पैकेजिंग एक ही चीज है, सेम मीनिंग उनका समझते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो पैकिंग है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और पैकेजिंग पैकिंग के अंदर ही आता है। जो पैकिंग है वो कंसर्न्ड है विद द प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, जबकि जो पैकेजिंग है वो कंसर्न्ड है विद प्रोडक्ट प्रमोशन। पैकिंग रिलेट करता है प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन से, जबकि जो पैकेजिंग है वो रिलेट करता है प्रोडक्ट के प्रमोशन से। पैकिंग का मीन्स, पैकिंग का मतलब है जो रैपिंग है जिसे आप कंप्रेस की फॉर्म में अगर करके रख रहे हो प्रोडक्ट को उसके अंदर, या फिल कर रहे हो प्रोडक्ट को उस रैपर के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स और देयर कन्वीनियंट हैंडलिंग। जो बल्की मटेरियल्स होते हैं जैसे कॉटन है, जूट है, आप उसे कंप्रेस कर देते हैं बेल्स की फॉर्म में, देन लिक्विड मटेरियल को आप कैंस या ड्रम्स में डाल देते हैं। पैकिंग जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करने के लिए। और जो पैकेजिंग है वो एक एक्टिविटी है जो कंसर्न करती है विद द प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रमोशनल कंसिडरेशन से। जो पैकेजिंग है वो पार्ट है पैकिंग का, और वो पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट का भी पार्ट बन जाता है। जब आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो बायर को, जब बायर परचेज कर रहा है प्रोडक्ट को, तो पैकेजिंग उसे हेल्प करता है यूज करने में, प्रोडक्ट को हैंडल करने में और स्टोर करने के लिए। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या है पैकेजिंग के। पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रोटेक्शन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो पैकेजिंग का दैट इज कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करना। और पैकेज जो है हेल्प करता है कंटेंट्स को फ्रेश रखने में, क्लीन रखने में, अनएडल्ट्रेटेड रखने में, और मॉइस्चर प्रूफ रखने में, या वर्मिन प्रूफ या डैमेज रेजिस्टेंट जो मटेरियल है उसे यूज करने में। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है पैकेजिंग का दैट इज प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द पॉसिबल थेफ्ट, क्लिफरेजेस, लीकेज, स्पॉइलेज, ब्रेकेज एसेट्रा। देन नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। प्रोटेक्शन के बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके कस्टमर। तो इसीलिए जो ब्रांड नेम के बाद नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज पैकेजिंग जो है
वो मेथड आता है कि किस तरीके से जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे डिफरेंशिएट कर सकता है दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट से। तो जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए भी पैकेजिंग जो है वो यूज होती है। जो साइज है, कलर कॉम्बिनेशन है, ग्राफिक्स है, मटेरियल है, हर एक पैकेज पे जो होता है वो यूनिक होता है, जिसे जो कस्टमर है इजीली रिमेम्बर कर सके, उसे रिकॉल कर सके। देन नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पैकेजिंग का, मैक्सिमम कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाना मैन्युफैक्चरर को, मिडलमैन को, कंज्यूमर को। तो इसीलिए एक अच्छा पैकेज जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि फैसिलिटेट कर सके प्रोडक्ट के यूज़ को, हैंडलिंग को, डिस्प्ले को, स्टॉकिंग को, शिपिंग को, ओपनिंग क्लोजिंग हो सके अच्छे से, लोडिंग अनलोडिंग जो है ये सारे काम हो सके। देन नेक्स्ट इज योर प्रमोशन। प्रोडक्ट जो पैकेज है वो एक पावरफुल प्रमोशनल टूल की तरीके से भी काम करता है। जो पैकेज के फीचर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं प्रोडक्ट का मैसेज और मोटिवेट करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो प्रोडक्ट को बाय करें। जो भी प्रिंटेड मैटर होता है पैकेज के ऊपर वो एक तरीके से एडवर्टाइजिंग का काम करता है। आप रीयूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग को, और वो हेल्प करती है इन सेल्स प्रमोशन। देन नेक्स्ट इज योर अट्रैक्शन। जो ऑब्जेक्टिव होता है पैकेजिंग का, दैट इज कि प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना, ताकि जो कस्टमर है उसकी तरफ उसका ध्यान जाए और वो प्रोडक्ट को खरीद ले। तो इनिशियल स्टेज में जो पैकेज होता है वही अट्रैक्ट करता है एक कस्टमर को, ना कि प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट इज योर इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ दीज जो पैकेजेस हैं वो इकोनॉमिक यूज प्रोडक्ट का हो, इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो कंज्यूमर है मैक्सिमम क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट कर सके, वेस्टेज को अवॉइड कर सके, इस चीज का ध्यान जो मैनेजर है जब वो डिसाइड कर रहा है कि कैसा पैकेज होना चाहिए उसे रखना चाहिए। देन नेक्स्ट इज योर रेपुटेशन। जो पैकेजिंग स्ट्रेटेजी है वो इफेक्ट करता है रेपुटेशन को भी, प्रोडक्ट की एज वेल एज प्रोड्यूसर की भी। तो जो पैकेजिंग है वो एक फास्ट सेलर की तरीके से होती है। मेजॉरिटी ऑफ दी जो मैन्युफैक्चरर है वो इस चीज के लिए ध्यान देते हैं कि जो पैकेजिंग है प्रोडक्ट की वो अच्छी होनी चाहिए, और पैकेजिंग को भी एक एसेट माना गया है, क्योंकि इससे जो रेपुटेशन है प्रोड्यूसर की और प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट इज अदर ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है? प्रोडक्ट की इमेज को जो है वो इम्प्रूव करना, सेल्स अपील जो है प्रोडक्ट की उसे इम्प्रूव करना, देन इंक्रीज करना रेट ऑफ प्रॉफिट्स को, फ्री एडवर्टाइजिंग देना प्रोडक्ट की, देन जनरेट करना कंज्यूमर की चॉइस को, और इनोवेशन लाना पैकेजिंग में। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।